आज हम आ गए हैं सूरत और आज हम ट्राई करेंगे मैक्सिकन चीज़ कैसेडिया। नाम बता दिए अपना? हाँ, उत्तम सरकार, मैक्सिकन चीज़ कैसेडिया है। ये यहाँ पे ऑलमेंट हो गया गार्लिक। तो भैया क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे मैक्सिकन? वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। राइस, पास्ता, नाचोस, टाकोस, कैसेडिया, बोरेटो, इंसुलेटस, अरे बहुत कुछ बनाता है वो। ये डाल दिए मैंने यहाँ पे पनीर। और ये देखिए, ये आ गया आपके प्याज। भैया होता क्या है ये कैसेडिया? रोटी में स्टफिंग रहेगा। रोटी में स्टफिंग रहता है। ये देखिए, ये आ गई राजमा। और ये देखिए, ये आगे कॉर्न चला, ऑलिव। ये देखिए, ये आगे ऑलिव। और ये देखिए, फायर तड़का लग रहा है यहाँ पे। तो उससे यहाँ पे भैया ने पनीर डाला है, राजमा डाले हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे मसाले डाले हैं। ये देखिए, ये आगे यहाँ पे चीज़। और ये ऑरिगेनो आ गया, चिली फ्लेक्स आ गई, वाइट पेपर आ गया, सॉल्ट, मैगी क्यूब, शुगर, ये देखिए रेड चिल्ली सॉस, चिली सॉस, ये आ गया रेड चिली सॉस, बारबेक्यू, कैप्सिको। तो ये देख सकते हो कितनी सारी भैया ने यहाँ पे सॉसेज डाल दी है। धनिया, बेसिल, स्प्रिंग अनियन। प्राइस क्या रहते हैं? 200 रुपीज़। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ पे आगे है चीज़। और नीचे देख सकते हो यहाँ पे रोटी है, किस चीज़ की रहती है? हाँ, मैदे का। नीचे देख सकते हो मैदे की रोटी है, चीज़ डाल दी भैया ने। और ये देखिए हमारा मैक्सिकन चीज़ कैसे दिया यहाँ पे लग रहा है भाई, कैसा टेस्ट होता है इसका? बहुत बढ़िया रहेगा, चटपटा रहेगा, खट्टा मीठा चटपटा रहेगा, मजा आ जाएगा। तो भाई अगर आपको भी ये टेस्ट करना है तो सूरत में आके यहाँ पे भैया के स्टॉल पे टेस्ट कर सकते हो। उसको बहुत सारी यहाँ पे मैक्सिकन वेराइटीज मिलती है। ये देखिए चीज़ है ना, और ज़्यादा ये देखिए और चीज़ आ गया इस पर, अभी पकेगा। अच्छा समझे, अभी पकने वाला है, पकने के बाद उसको कटिंग करने वाला है, कटिंग करने के बाद उसको माइनेस छालसा वो सब आने वाला है, उसका बाद कस्टमर खाने वाला है। तो ये देखिए ऑल में बढ़िया तरीके से यहाँ पे कैसा डीला लग रहा है। ये देखिए भाई, दे रहा है 2 मिनट। तो तुम गर्मा गर्म लगाते हो? हाँ, हम सब कुछ करते हैं, गर्मा गर्म, ठंडा ठंडा पानी, पानी की बात कर रहा हूँ, हाँ, गलत मत समझना। तो देखो गर्मा गर्म सर्व होता है यहाँ पे, जो भी होता है गर्मा गर्म लगाते हैं भैया। ये दोनों साइड से पकाया जाएगा अच्छी तरीके से, एकदम कड़क रहेगा, हाँ। फिर इसके ऊपर ओरिगैनो चिल्ली फ्लेक आएगा, उसके ऊपर साल्सा मायोनेस आएगा, फिर कटिंग करेगा, फिर कस्टमर को देगा, फिर कस्टमर खा लेगा, फिर कस्टमर पैसा देगा, फिर चला जाएगा। तो ये देखिए, अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से कड़क होता है। यस यस बॉस, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से कड़क है। मैक्सिकन चीज़ देख सकते हो कैसे दिया, यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है एक साइड से। वेट, टाइमिंग क्या रहता है? 5 मिनट लगता है कैसे डेला फ्राई करने में। 5 मिनट लगते हैं। टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की दुकान की? 5 बजे से रात 10 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हर दिन। हर दिन कोई छुट्टी नहीं रहती? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। एड्रेस सर इधर पीप्लॉट रोड, डुम्बस रोड है, और राहुल राजमहल है, जिंजर होटल का गली पे। ठीक है। फुल गर्म रहता है ना, काटने में जल जाएगा पूरा रोटी। ये देखिए भाई, ये हमारा कैसे दिया यहाँ पे आ चुका है, प्लेट नहीं है। ये देखिए, ये प्लेट का हो गई। तो कितने पीस करते हो उसके? 4 पीस बनेगा। 4 पीस। कैसे जिला में चीज ही चीज है, कैसे जिला में एकदम बढ़िया झकास रहता है, खाएगा दोबारा आना ही पड़ेगा। तो भैया का स्पेशल मैक्सिकन चीज कैसे दिया तक के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, तो भैया ने इसको बढ़िया से कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया है। ये मैदे की रोटी रहती है इसके अंदर। तो भैया ने इसमें पनीर डाला है, राजमा डाला है, और काफ़ी सारे इसमें मसाले डाले हैं, सॉसेज डाले हैं, और ऊपर से देख सकते हो इन्होंने चीज़ डाला हुआ है और वेजेज डाली हुई है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, चलिए अभी इसको सालसा सॉस के साथ टेस्ट करते हैं। तो वाकई में इनका मैक्सिकन चीज़ कैसे दिया बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो अगर आप भी सूरत में रहते हो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो मैक्सिकन चीज़ कैसे दिया ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। बात कर लिया इसके प्राइस की, इसका प्राइस 200 रुपीज़। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।